इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर में भव्य कीर्तन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज शामिल हुआ। शहर के गुरुद्वारा इमले साहिब गुरु नानक चौक से निकाला गया, जहां सिख समाज के सभी शैक्षणिक धार्मिक सामाजिक संगठनों ने गुरु नानक नाम लेवा साध संगत में भाग लिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर भव्य दीवान सजाए गए, इसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया। सभी कार्यक्रम जीरो वेस्ट की तर्ज पर आयोजित हुए। दरअसल श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश गुरु पर्व श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के तत्वाधान में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। नगर की सभी गुरु नानक नाम लेवा संगतों द्वारा उत्साह के साथ इसमें भाग लिया जा रहा है। वहीं संगतों की सेवा के लिए पिन्नी प्रसाद, दूध, पोहे, शरबत आदि का प्रसादी वितरण किया गया। हजारों की संख्या में गुरु नानक नाम लेवा संगतें तकरीबन 30 जत्थे के रूप में संगत गुरबाणी शब्द गायन करते हुए सम्मिलित हुई। ऐतिहासिक गुरुद्वारे इमली साहिब से एक विशाल नगर कीर्तन राव बेटमा साहिब एवं शहर के सभी गुरुद्वारा साहिब के शब्दी जत्थों के साथ आरम्भ हुआ, जो की नगर कीर्तन ऐतिहासिक गुरुद्वारा इमले साहिब गुरु नानक चौक से प्रारंभ होकर राजवाड़ा, शास्त्री ब्रिज, रिगल चौराहा, आरएनटी मार्ग से पटेल ब्रिज, जवाहर मार्ग रोड से होकर गुरुद्वारा इमले साहिब पर पहुंचा। नगर कीर्तन में सम्मिलित होने वाले सभी जत्थों के लोगों ने अनुशासन का परिचय दिया। वहीं सैकड़ों मंचों से कीर्तन यात्रा का स्वागत हुआ। आपको बता दें कि गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पर हर वर्ष यह कीर्तन उत्सव मनाया जाता है और यात्रा निकाली जाती है। 27 तारीख को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। सिख लक्ष्मी इडली से पकवाने से तकरीबन शुरू हुआ है, 10:30 बजे सुबह से शुरू है, तो अभी इसकी शाम होने की समाप्ति हो। ये कौन सा पर्व निकाला, मतलब ईयर कौन सा है ये? ये मेरे ख्याल से 5 है। कौन कौन लोग शामिल हुए हैं समाज के? इसके सारे जितने भी गुरुद्वारे हैं अपने इंदौर में, जितने भी जत्थे हर गुरुद्वारे का जत्था इसमें शामिल है। ये जब कल्पो ले लो, बड़े ले लो, बूढ़े ले लो, सब ये जब कलकों से निकलता है तो मतलब लंगर का इंतजाम भी होता है, पानी का भी होता है, उसको लेकर क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा दिन माना जा सकता है आज ये समाज के लिए, तो क्या प्रार्थना आप आज के दिन करते हैं? हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब में एकता बनी रहे और सब लोग मिलजुल कर रहे। प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व को उपलक्ष में इंदौर में आज भव्य नगर कीर्तन, विशाल नगर कीर्तन निकल रहा है। ये नगर कीर्तन गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में निकाला जाता है और आज लाखों की तादाद में सिख समाज सड़कों पर आप देख रहे हैं कीर्तन करते हुए और संगत की सेवा करते हुए स्टॉल लगे सिख समाज के और अन्य सभी समाजों ने करीबन 300-400 स्टॉल पूरी मार्ग में लगा के आज जल सेवा फूलों से वर्षा कर रहे हैं। सब समाज के लोग हमारी संगत की यहाँ पे स्वागत के लिए लगे हैं। ये जवाहर मार्ग तो हमारा मुख्य गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री अमृत साहब के लिए वहाँ से निकल के रिगल चौराहा, रिगल चौराहे से आपका मधुमिलन चौराहा होते हुए पटेल ब्रिज होते हैं वापिस से समापन अमृत साहब गुरुद्वारा साहब के। रमेश सर भी पहुँचे थे, उन्होंने भी खिदमत की है। रमेश दादा पहुँचे थे, उन्होंने भी आगे सभी हमारे जो भाजपा के प्रतिनिधि बने आदरणीय रमेश यहाँ पर पहुँचे हैं और माननीय नगर अध्यक्ष जो हमारे आदरणीय गौरव अखिलेश जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आज क्योंकि वो तेलंगाना में, तो उन्होंने भी अपना जो बधाई संदेश, सेवा का संदेश, बधाई संदेश समाज में दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कृष्ण गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में हमारा नगर कीर्तन जो हर साल ही होता है, वो नगर कीर्तन बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास से संते अपना शब्द गायन करते हुए मनाते हुए जा रहे हैं। और मैं हमारा 554वां गुरु नानक देव जी का है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। सर ड्रेसअप भी कुछ अलग दिख रहा है, सभी व्हाइट और भगवा पगड़ी और क्या गुरु का दिया हुआ केसरी रंग है जिसको हमें आज पहन के एक बताना है कि हम सब
एक है और ये रंग हमारे प्रकाश पर्व पर निकलने वाले समारोह में मैं आज शामिल हुआ और गुरु नानक देव का जो प्रकाश पर्व है उसके मैं सभी को अग्रिम शुभकामना देता हूँ। सब जो हर साल जो जत्था निकलता है उसमें मैं शामिल होता हूँ, आज भी इस जत्थे में शामिल होकर गुरु के जो घर है उसको नमन करते हैं। एक आपने ट्वीट किया महापौर को लेकर, ट्वीट किया है किसी गुरु